दिन जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर अली बिलाल ग्राउंड जो है मिलाजुल यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे, वहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है, हिस्ट्रिक टूर्नामेंट, जिसमें सियालकोट स्पार्टन और लवर पाकिस्तान का मुकाबला है। और इस वक्त जो खेल रहे हैं वो सियालकोट स्पार्टन खेल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये उनकी टीम इस वक्त फेसबुक के ऊपर लाइव भी दे रही है, इनके पेज के ऊपर ही, और ये हमारे कप्तान भी मौजूद हैं। जी किस तरह देखते हैं अब तक कितना स्कोर हुआ है? 100 प्लस हो गया है, मगर आज हुआ इस तरह कि हमारा बैटिंग ऑर्डर का जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा फ्लॉप गया है, अच्छे स्कोर नहीं हो सके टीम से, मगर अभी भी मैच बाकी है तो हम कोशिश करेंगे कि फाइट करें और मैच को बचाएं। ठीक है, तो क्या आपका जो मेन प्लेयर्स है वो इस वक्त दोनों आउट हो चुके हैं? टीम में सारे ही मेन प्लेयर होते हैं, 11 ही मेन होते हैं, और वैसे जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था वो तो कह सकते हैं किस टाइम फ्लॉप है, मगर अभी जो खेल रहे हैं ये भी अच्छे बैट हैं। लेकिन तो अभी तो आपका अगला टारगेट जो है बॉलिंग पर है। बॉलिंग पे, हाँ जी, बॉलिंग हमारी अच्छी है, शाबाश शाबाश, और पूरी कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल। नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरह जोश व जज्बा प्लेयर्स में है, और आप बताएं कि आज क्या देख रहे हैं आप? ये हमारा स्कोर, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, अगर स्कोर थोड़ा सा अपना, अभी वैसे कितने ओवर रह गए? दो ओवर हैं अभी। ठीक है, तो टारगेट 140 तक जा सकता है? 125-30 तक अगर चला गया टारगेट तो हम अच्छी मेहनत करके इसको बचाने की कोशिश। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं आज की टीम के हवाले से भाई? आज टीम बॉलिंग टीम है, जो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हुआ है, लेकिन ये है कि कोशिश यही है कि हम इसी तरह हमारे बॉलर भी बॉलिंग करें, ठीक है, और उनका ऊपर जो 3-4 प्लेयर है वो जल्दी आउट हो तो फिर हम भी मैच में आ सकते हैं। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सियालकोट स्पाइटर जो है खेल रही है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि टीम जो है वो एक ही जीतेगी, अगले फाइनल में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो फेसबुक के ऊपर या अपने पेज के ऊपर लाइव कर रहे हैं। जो लव पाकिस्तान है उसकी टीम के भी बंदे खड़े हैं, इस वक्त लव पाकिस्तान फील्डिंग कर रही है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सियालकोट स्पाइटर जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं, और प्लेयर्स इस वक्त तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं कि लव पाकिस्तान की तरफ से भाई बताइए कि किस तरह आप देख रहे हैं आज के मैच को? आज के मैच को सेमीफाइनल ही देखा जाएगा। ठीक है, देखिए सेमीफाइनल हो रहा है तो दोनों टीमें अच्छी हैं जो सेमीफाइनल खेल रही हैं, आपस में काफ़ी अच्छा मैच होगा। ठीक है, हाँ देखिए आप देख सकते हैं कि फील्डिंग में प्लेयर खड़ा है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। भाई कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, जो भी आपकी बैटिंग हो रही है? 150 हो गया तो अच्छा मैच होगा। ठीक है, तो वैसे जो आपके ओपनर है वो सुना है कुछ अच्छा नहीं खेले आज? हाँ, कुछ बैड पैचेस हुए, एक दो बंदा, ये रूफन भाई जल्दी आउट होके आ गए, उसके बाद हमारे ओपनर जल्दी आउट हो गए जी, उसकी वजह से हमें अच्छा स्टैंड नहीं मिला। लेकिन अभी तो बॉलिंग है आपकी? हाँ, हमारी बॉलिंग अच्छी है, टफ टाइम देंगे बॉलिंग में। ठीक है, चलो जी, जो भी टीम जीते वो एक ना टीम ने तो जीत रहे हैं। भाई आप तैयार किट में खड़े हैं तो किस तरह देख रहे हैं अभी आज के मैच को? आज का मैच आसानी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, 50-50 है। ठीक हो गया, तो अभी आप तैयार खड़े हैं, अगर प्लेयर कोई आउट होता तो आप जाएंगे? जी, जाऊंगा। ठीक हो गया। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर जो अली बिलाल पार्क के अंदर ग्राउंड जो है क्रिकेट क्लब की, वो इस वक्त गर्मी की शिद्दत भी चल रही है, 12 बजने वाले हैं, तो भी अभी एक फर्स्ट इनिंग जो हुई है वो चल रही है, वो भी अभी ख़त्म होने वाली है, तो गर्मी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं आज ग्राउंड के अंदर, और इस वक्त रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान में हमारा ये टूर्नामेंट हुआ है, और क्योंकि हमारे रोज़े ख़त्म हुए हैं, ईस्टर का टूर्नामेंट है ये। जी नाज़रीन यहाँ पर सारे टीम्स कह रही है कि 10,000 इसका जो एंट्री फीस है और 50,000 इसका इनाम है। जी भाई कितने अपने स्कोर किए हैं? कोई आईडिया नहीं।
अच्छा कोई आइडिया नहीं है लेकिन अंदाजन फिर भी 4-5-10-20-22 कर लिए हैं। अच्छा खेला जी, आप देख सकते हैं जिस तरह गर्मी पड़ रही है और प्लेयर्स का खेलना हार्ड बोर्ड में तो बड़ा एक अपने अपने जो पैशन को लेके आगे चल रहे हैं। हम आपको लव पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो भी आपको दिखाएंगे आज के टूर्नामेंट की, और साथ ही साथ जो इस टीम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को वो भी सुना लाहौर में आ रहे हैं तो हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह ये आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो टूर्नामेंट है उनको चला रहे हैं। जी हमारे साथ नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब जो फैसलाबाद से है बाबर सोत्रा साहब इनके चेयरमैन हैं और वे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के अंदर, और आप देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ है ये इन्होंने किया है तो पाकिस्तान में पहली बार इन्होंने अपने क्लब को PCB के साथ मुंसलिक कर दिया है और रजिस्टर्ड भी कर लिया है, ये एक सच है बात तो हम इनसे पूछेंगे। जी बाबा भाई क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक है जी, खुदा का शुक्रगुजार हूं। अच्छा ये बताइए कि ये जो अभी सुनने में आ रहा है कि आपने PCB के साथ इलाहा कर लिया है रजिस्टर्ड होगी आपकी? जी खुदावंद का शुक्र है जी, ये 17 अगस्त को जी प्रॉपर सिक्योरिटी में हो गई है और खुदावंद का शुक्र है कि हमारे 30-35 लड़के भी उधर हाजिर थे। ठीक है, खुदावंद का शुक्र है ये PCB से क्लब रजिस्टर्ड है। तो ये किस तरह आपने आइडिया सोचा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ऐसा एक कदम किया जाए? अजी मैं फैसलाबाद अंडर 16-9 में खेला था तो जिस तरह के आपको बताया कि आगे खेलने का कम ही मौका मिलता है तो मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ जो हमारी गांव के बाकी आगे बच्चे जो खेलते हैं शौक रखते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना जाए, क्योंकि ये कोई बच्चा भी जब स्कूल दाखिल होता है ना तो उसको तभी सर्टिफिकेट मिलता है जब वो एडमिशन लेता है, तो हमने ये अपनी पाकिस्तान क्रिश्चियन स्पोर्ट्स क्लब PCB से रजिस्टर करवाया ताकि हमारे बच्चे खेलें और उनके पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म हो। तो बस मैंने सोचा कि हमारे बच्चे जो मतलब खेलों में कम हैं और मतलब दूसरी एक्टिविटी में है तो हमने इस क्लब को। तो ये किन किन चीज़ों लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया है इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में हमारे युबर्ट साहब हैं जी, ठीक है, उन्होंने मतलब इस टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सरशिप दी है मैं जी एज ए TV है, पास्टर शमन साहब है गए जी, बिशप फारूक साहब है गए हैं जी, और हमारे शिजाज विलियम साहब हैं, जैन साहब हैं, जॉन आरफ कोकर साहब इसमें है जी, और हमारे जुवेद नायत हैं, परवेज भट्टी साहब हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जी पास्टर अफजल साहब, उबैद चौधरी साहब हमारे जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट का आवन किया ताकि हमारे बच्चे अच्छे ग्राउंडों में क्रिकेट खेल सकें। ठीक है, और हम हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं जो आने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा हम यही चाहते हैं कि पहले तो हमारे पास एक होता था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है मतलब चीज़ें नहीं हैं, तो अब तो खुदा का शुक्र है क्लब रजिस्टर्ड है ग्राउंड है हमारे पास होते हैं, हमारे बच्चों को चाहिए कि वो भी क्रिकेट की तरफ तवज्जो करें और मैदानों में आएँ। ठीक है जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट क्लब के तो बताइएगा क्या ख्याल आते हैं आपके? जी मसीह की मोहब्बत में सलाह जी भाई जी, हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे मसीह गाँव के नौजवान बच्चे हैं लड़के हैं कि ये खेल रहे हैं, इनको मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए सालाना या कोई त्यौहार हमारे उस मौका पर होने चाहिए क्योंकि इनको खेलने का मौका मिले, हमारे जो मैदान हैं वो आबाद रहे, जो हॉस्पिटल हैं वो वीरान रहे, क्योंकि ये सेहतमंद भी रहेंगे, नशे जैसी तस्वीरों से बुरी रक्षों से ये महफूज रहेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी है जो बाबर भाई के मिशन है प्लान है कि हमारे जो बच्चे हैं प्रमोट हों वो आगे आए, क्योंकि इनको मौका नहीं मिलता, जैसे पढ़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जैसे पढ़ाई में अच्छी नौकरी नहीं मिलती, स्कूलों में भी बच्चे हमारी बच्चियां स्पोर्ट में खेलती हैं उनको मौका नहीं मिलता, तो हमारा जो इनका मिशन है खुदा खूब इन्हें कामयाब करेगा, खुदा का फजल है तो ये ऐसे ही इनको मौका मिलेगा ये आगे हमारे बच्चे खेलने का, खुदा की शुक्रिया। जी वसीम भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बाबर सोता साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा जो सा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे मैचेस जो से लाहौर में भी हुए हैं और फैसलाबाद में भी हुए हैं, आज सेमीफाइनल जा रही है और अभी एक जो टीम यहाँ पे फाइनलिस्ट होगी वो फैसलाबाद जाएगी खेलने के लिए, और मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज हैं बाबर साहब के साथ कि ये इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहे। जी भाई जिस तरह आपने देखा कि पहली इनिंग जो है वो इस वक्त सियालकोट स्पाइटर ने 122 रन किए हैं और लवर पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट दे दी है, और हम इनसे पूछेंगे अभी लवर पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करने जा रहा है, इस वक्त किट शीट पहन ली है उन्होंने, यहाँ के जो लवर पाकिस्तान कप्तान है हम उनसे पूछेंगे। जी आप टीम के कप्तान हैं तो किस तरह देखते हैं आज अभी इस टारगेट जो मिला आपको स्कोर्स का?
सबसे पहले तो साफ़ को मेरी तरफ से सलाम और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको टारगेट को जल्द से जल्द जो है कवर करें और कोशिश करेंगे विकटें भी सेव करें और रन भी करें। ठीक है, तो आपके पास इस वक्त अच्छे जो है बैट्समैन कितने हैं? हमारे पास तकरीबन 11वें नंबर तक बैटिंग है और हमारे पास तकरीबन सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा, क्रिकेट खेली हुई है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो टारगेट मिला है आपको किस तरह देखते हैं कि जल्दी कंप्लीट कर लेंगे कि पूरे ओवर पूरे करेंगे? नहीं, ओवर पूरे तक तो नहीं जाएंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम 15-16 ओवर से पहले पहले जो है कंप्लीट करेंगे, 17 ओवर तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके जो ओपनर बैट्समैन वो कौन कौन है? जी आप ओपनर प्लेयर हैं तो किस तरह देखते हैं आज की गेम को? हाँ जी, मेरी तरफ से पहले सलाम सबको। गेम एक्चुअली यही होगा कि हमारा जो 100% हम वही देंगे और मतलब कि सेमीफाइनल गेम है, बड़ा गेम है और इसमें 122 की मदद करना है चेज, लेकिन उसको बड़े तरीके से और बॉलर्स को चेक करके इस तरह से हमने खेलना है कि हमें नुकसान भी कोई ना हो। तो बाकी जो भी है रिजल्ट खुदावंद पर है। पाकिस्तान क्रिश्चियन स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन बाबर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रदर पीटर मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद है और वो भी जो है स्पोर्ट्स के लिए बड़ा आगे जाना चाह रही है। जी बेटा अपना नाम बताइएगा। तो बेटा किस तरह लगा आज का टूर्नामेंट देखने के लिए आपको ग्राउंड में आएंगे आप? जी बाबर साहब आप देखिए कि आपके इस विजन को देख के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मेरी मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि मैं लसाल स्कूल में एज ए क्रिकेट कोच भी हूँ, तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चियों की अपनी टीम भी बनाएं। ठीक है, चूँकि आपको पता है ये इंडोर क्रिकेट ज़्यादा होती है, ओपनली थोड़ा मुश्किल हमें पेश आ रही है और खुदावन ने चाहे हमने दुआ में रखा कि खुदावन हमें अपना ग्राउंड मुहैया करें। तो सबसे पहले जिस तरह हमारे नौजवान एक खेलों के मैदानों में फतह करते हैं, तो हमारी कोशिश हमारी बच्चियाँ पीछे रहें। तो खुदावन की ओर से ऐसी बच्चियों की हमें तलाश भी है जिनके अंदर कुदरती गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है। तो खुदावन ने चाहे तो जल्द ही खुदावन हमें अपने ग्राउंड मुहैया करेगा, तो ज़रूर हमारी बच्चियाँ भी मैदानों में देखेंगे जी। और मेरी इस बच्ची के लिए बेस्ट विशेज है कि खुदावंद इन्हें अपना फजल बख्शे ताकि ये अच्छी बैट्समैन बने या बॉलर बने, जो भी इनकी ख्वाहिश है, ताकि ये भी अपने मुल्क के कौम का नाम रोशन करें। जी नाज़िर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो सेमीफाइनल हुआ है पाकिस्तान क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब का, जो कि टूर्नामेंट था ईस्टर टूर्नामेंट, जिसमें लव पाकिस्तान ने जीत लिया सेमीफाइनल और सियालकोट जो टीम है वो हार गई है। लेकिन अगर मैच जब हो रहा था तो कोई भी जीतता है और कोई हारता है, तो ये लिखी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सियालकोट स्पाइटर जो टीम है उनके जो हैं खिलाड़ी। जी आज की जीत के हवाले से बताइएगा लव पाकिस्तान। और जी पहले तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज ये इतना खूबसूरत मैच हुआ, और दूसरे नंबर पे खुदावंद का शुक्र ये करते हैं कि आज दोनों टीमों को खुदावंद ने इंजरी से बचा के रखा और एक बहुत खूबसूरत मैच हुआ, और सारा रिजल्ट खुदावंद को देते हैं ये जीत के लिए। और दूसरे नंबर पर यह बात है कि टारगेट थोड़ा छोटा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ऊपर से हमारे दो आउट कर दिए थे, लेकिन फिर भी खुदा उनका शुक्र है कि हमने इसे बड़े आराम से विन कर लिया। क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम चाहते हैं कि आप फाइनल में जा रहे हैं और वहां से भी कामयाब हों, अपनी टीम का जो नाम रोशन करें। और सर जी मैं शुक्रगुजार हूँ बाबर भाई का, तो हम दुआ करते हैं कि उनकी टीम को खुदा उनका कर दे और हर साल इसी तरह मतलब ग्राउंड में मेला लगाते रहें और खुदावंद के नाम को चला देते रहें। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज का जो टूर्नामेंट है उसका इख्तिताम हो गया, सेमीफाइनल हो गया, जिसमें लव पाकिस्तान जीत गई और सियालकोट जो स्पाइटर है वो हार गई सियालकोट की टीम। और ये टूर्नामेंट जो है अली बिलाल क्रिकेट क्लब जो कि मिलाजन यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में, उसकी बैक साइड पर ये ग्राउंड है अली बिलाल क्रिकेट क्लब। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैच इख्तिताम हो गया और क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की टीम जो है वो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है, और हम चाहते हैं कि
इस तरह ही हमारी कम्युनिटी के जो मैच हैं वो इस तरह होने चाहिए और लोगों में शऊर और बेदारी पैदा होनी चाहिए कि हम लोगों को स्पोर्ट्स में आगे आने की ज़रूरत है। और स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, और भी दूसरी सारी जो है बास्केटबॉल हो, और भी गेमें हैं, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी नौजवान जितने भी आगे जाएंगे और अपनी कौम का और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज का जो ईस्टर का जो सेमीफाइनल था लाहौर के अंदर, उसमें लव पाकिस्तान और सियालकोट स्पाइडर जो हैं मद मुकाबल थे दोनों टीमें, और सियालकोट स्पाइडर जो हैं वो हार चुकी हैं। उन्होंने बड़ा टफ मुकाबला दिया और लव पाकिस्तान ने आज का जो मैच विन किया और अब वो फाइनल के लिए फैसलाबाद जाएंगे। पाकिस्तान क्रिश्चियन स्पोर्ट्स क्लब के जो चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है बाबर सोत्रा साहब, और बड़ी एफर्ट है इनकी इस टूर्नामेंट के हवाले से जो कि फैसलाबाद में भी हुआ या लाहौर में भी हुआ। और अभी जो जो आज मैच हुए हैं या कल मैच हुए हैं, उनके मैन ऑफ द मैच के लिए इन्होंने स्पेशली एक शर्ट डिज़ाइन करवाई हुई है जो इन्होंने उनको मैन ऑफ द मैच जो प्लेयर है उनको देनी है। तो आज सबसे पहले किसको देंगे? हमारा ना कल भी मैचेस हुए थे, उसकी ऑलरेडी शर्ट्स हमने प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन बाबर भाई कल मौजूद नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि कल की शर्ट्स भी बाबर भाई अपने हाथों से दोबारा उनको दें, तो ज़रा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऑल इन ऑल इस टूर्नामेंट का सेहरा इनको जाता है। तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, इतना अच्छा इन्होंने अप्रिशिएट लिया हमारे बच्चों के लिए। तो पहले हम जो कल के जो बच्चे रह गए हैं उनको मैं चाहूँगा कि वो आज, एक हमारा वो बच्चा था इधर से सियालकोट पाटन से सुलेमान, वो इधर सुलेमान साहब आप आए जरा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट नदीम भाई हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो से पाकिस्तान क्रिश्चियन स्पोर्ट्स क्लब के, उनको शर्ट्स। जी सियालकोट पाटन से आपको मैन ऑफ द मैच मिला है आज कल के मैच के हवाले से, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले तो मैं बाबर भाई को मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। उसके बाद आज भी पार्ट ऑफ गेम आज लव पाकिस्तान को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा फाइनल के लिए, अच्छा खेले और फाइनल विन करें। मैं चाहूँगा कि आपकी टीम के जो कप्तान हैं वो सामने ज़रा आएँ, तज़ील भाई सामने आएँ। और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आज इनकी जो मैच के दौरान थोड़ा सा इंजरी भी हो गई है उंगलियों में, और प्लेयर ही होता है, गेम के दौरान कुछ भी हो सकता है। और इस जो अज़्म को लेकर ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंजरी हुई है तो अक्सर प्लेयर को होती रहती है? जी बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखिए, ये पार्ट ऑफ गेम है, मैंने अपनी एफर्ट की है, बॉल को रोका है, कभी हाथ नहीं भी अच्छा बॉल को ग्रिप कर पाता, ठीक है, उसका नतीजा मिल गया। नेक्स्ट जब बॉल तेज आएगा तो उसको अच्छे तरीके से ग्रिप करने की कोशिश करें। तो आज का मैच जो आपकी टीम हार गई है, क्योंकि हार जी तो है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए हमने तो कोशिश की, अपना फैसला भी जो हमने लिया था उस पर हम पूरा नहीं उतर पाए। हमारा प्लान तो यही था कि अच्छा टारगेट सेट करें, मगर अर्ली विकेट जो निकली है उसकी वजह से हमारा एक अच्छा टोटल नहीं बन पाया। मगर फिर भी हमें हार से हमेशा हम इंसान सीखता है, और नेक्स्ट कभी हम क्या हिस्सा लेंगे इवेंट में तो हम और मजबूती से आएंगे और प्रैक्टिस करके आएंगे और यकीनन ही विन करेंगे। जी नाज़रीन, ये जो मैन ऑफ द मैच जो शर्ट टूर्नामेंट के लिए दी गई है, तो बाबर भाई किन लोगों ने इस मैन ऑफ द मैच के लिए स्पॉन्सर किया? मल्टी कल्चरल ग्रुप है जी, कनाडा के हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर किया है और बच्चों के लिए जी मैन ऑफ द मैच शर्ट भी दिया है। लव पाकिस्तान के हवाले से आज हमारा एक कल का एक और मैच रह गया था, उसका जो मैं चाह रहा कि बाबर भाई उसकी मैन ऑफ द मैच की शर्ट कल के मैच की जो सेमीफाइनल की इसके बाद करते हैं, ठीक तो है। वो कल हमारे अलीशा भाई थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच था, उनके बहा पे अशरफ भट्टी साहब जो वो शर्ट रिसीव करेंगे लव पाकिस्तान से। जी आज के मैच आपने विन किया है, तो आज के मैच के हवाले से बताइएगा। जी थैंक यू सो मच, आज हमने बहुत अच्छा मैच खेला और काफ़ी इंजॉय किया, और स्पेशली जो हम बाबर भाई को शुक्रिया पेश करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है ना टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे लिए स्पेशली, तो थैंक यू सो मच जी बाबर भाई। जी हमारा जो आज का सेमीफाइनल देखने को लग रहा था कि टीमें क्योंकि बहुत दोनों ही बहुत अच्छी थी कि अच्छा मैच होगा, लेकिन लव पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच जो सा ये जीता और अपना जो सा इनका एक देखते आ रहे हैं कि ये मोस्टली मैच जो से वन साइडेड जीते हैं, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और उसमें आज इखलाक बशीर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3 आउट किए
और आज के जो सेमीफाइनल के मैच के हफ्तार भी ठहरे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आए, बाबर चोत्रा साहब जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट साहब, मिलकर इनको आज की मैन ऑफ दी शर्ट दे। जी अभी तक वैसे जब से आप मैच खेल रहे हैं तो कितनी दफ़ा मैन ऑफ दी मैच ले चुके हैं अभी तक? ऑलमोस्ट जो है याद नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और मैं बाबर भाई का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया, ताकि ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि नौजवान जो है, यंग जनरेशन जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और जो बुरी अशिया जो कर इस्तेमाल करते हैं उनसे महफूज रह सके, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बाबर भाई का, थैंक यू। अजय जी हमारे HPC इंटरनेशनल है जी, उन्होंने ये बच्चों के लिए गिफ्ट दिया है और हमारे टूर्नामेंट में स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम दिल से शुक्रगुजार हैं अपने इन स्पॉन्सर्स का कि वो इन बच्चों के लिए अच्छे जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे बुरी रफ्तों से बचे और मैदानों की तरफ करें अपना। गॉड ब्लेस यू। ये हमारे चीचा दिन के प्लेयर हैं जी, बुटा मसीह जी, और इनके दिल में इतना कौम का दर्द है जी, किसी भी शहर में अगर हमारे कृष्ण बच्चों खेलते देखते हैं ना तो बहुत ही जल्दी उनसे रब्ता भी करते हैं और उनके नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करते हैं। तो आज इनकी टीम तो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन ये हमारी शर्ट है जी PCCI, तो वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैं इनको जी एक शर्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि ये हमारा बच्चा और आगे जाए जी और बहुत ज़्यादा तरक्की।